अस्सलामुअलैकुम, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। हम पिछले 10 मिनट से यूनिवर्सिटी बस का वेट कर रहे हैं। एक बस आई थी लेकिन वो बॉयज़ की थी। अब हमारी बस भी देखने को मिल रही है, हमारी बस भी आ चुकी है। अब ये पहले ओल्ड कैंपस से जो स्टूडेंट्स लाए थे उनको उतारा और अब ये न्यू कैंपस से स्टूडेंट्स को लेके वापस ओल्ड कैंपस चले जाएगी। बस में चढ़ना इज़ अनदर लेवल ऑफ स्ट्रगल जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। अभी आज इतना रश नहीं था लेकिन फिर भी कैमरा ऑफ करके आगे जाना पड़ा और इतने धक्कन धक्के और खिंचातानी के बाद फाइनली आई मीन बस। लेकिन अगर इतनी एफर्ट के बाद भी बस में सीट ना मिले तो बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो जाता है। अभी हम वेट कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में बस चलेगी क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट्स दूर से भागे आ रहे होते हैं। हमें भी बस में ले जाएं, फिर अंकल उनको देख के रोक लेते हैं। अब बस चल पड़ी है, मैं आपको न्यू कैंपस की भी सैर कराती जाती हूँ। इतना प्यारा मौसम है, आसमान इतना प्यारा लग रहा है कि मेरा दिल कर रहा है मैं सब कुछ कैप्चर करती जाऊँ। जिन स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिलती बस में, कुछ तो खड़े होकर चले जाते हैं लेकिन कुछ रिक्शाज यहाँ पे खड़े होते हैं, कुछ रिक्शा में बैठ के फिर ओल्ड कैंपस चले जाते हैं। ये न्यू कैंपस के डिपार्टमेंट्स हैं। न्यू कैंपस में इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे शेडो नहीं है कि आपको सारा दिन धूप में ही चल के जाना आना जाना पड़ता है। अभी तो शुक्र है कि आजकल मौसम बहुत अच्छा हुआ है कि लगता ही नहीं है कि ये जुलाई चल रहा है, जुलाई ख़त्म होने को आ गई लेकिन बारिश ही हो रही है। ये है चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद, ये न्यू कैंपस के स्टार्ट में ही है। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यहाँ पे मैं भी प्रैक्टिस कर चुकी हूँ एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर इंटर्नशिप करें। इट विल इन्हेंस योर स्किल्स और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इधर से। यहाँ पे एमरजेंसी है, ओपीडी है, हर तरह के वार्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम जंग रोड पे हैं और बस चलती जा रही है। आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ ट्रेवलिंग अब हम चिनाब चौक में आ गए हैं। जब चिनाब चौक आता है तो हमारी यूनिवर्सिटी का जो ओल्ड कैंपस है उसकी बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है और थोड़ा हौसला होता है कि अब हम यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। सो हेयर वी आर, अब हम बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी तो हम पहुँच ही चुके हैं। आज हम ओल्ड कैंपस इसलिए आए हैं क्योंकि एक तो हमें मार्केट से कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था हॉस्टल के लिए और उसके अलावा पास्ता खाने का मूड हो रहा था तो सोचा क्यों ना आज आपके साथ गुलबर्ग एरिया का बेस्ट पास्ता पॉइंट शेयर किया जाए। सो लेट्स गो। तो अभी हम जा रहे हैं वाइट कैसल की तरफ, वो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है एंड आई लव देयर पास्ता। 30 मिनट हो चुके हैं, हमने ऑर्डर किया और अभी तक ऑर्डर नहीं आया। वी आर वेटिंग फॉर द ऑर्डर। बहुत ज़्यादा भूख लगी, ऑर्डर आ गया और हमने खाना भी शुरू कर दिया और मैं कम्प्लीटली भूल गई कि मैं तो आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली थी। इतनी ज़्यादा आप भूख की शिद्दत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर, का पास्ता बहुत डिलीशियस है। बाकी पिज़्ज़ा और प्लेटर मैं देकर रिकमेंड नहीं करूँगी बट नो डाउट दे आर पास्ता एक्सपर्ट अराउंड द गुलबर्ग एरिया। अब हम वापस जा रहे हैं अनारकली की तरफ और ये रास्ते में आता है अमामबर का। अभी तो दिन है और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं है लेकिन लोगों ने आना शुरू कर दिया है रात की मजलिस के लिए। ये हमारे रास्ते में आता है, यहाँ से होके हमें अनारकली जाना होगा। तो अब हम अनारकली से भी होके वापस आ चुके हैं और क्योंकि इतना ज़्यादा उधर क्राउड था वो ऐसा एरिया नहीं था कि अमामबारगा की वजह से कि हम वहाँ पर कैमरा ऑन करते। सो अब हम वापस अनारकली से जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ। हम रिक्शा में बैठ चुके हैं, लोकल रिक्शा हमने लिया है, यह हमें 50 रुपये में हॉस्टल में पहुंचा देगा। और जब आप लोकल रिक्शा में ट्रैवल कर रहे हों तो अपने बैग का, अपने सामान का ख़ास ख्याल रखें। हम वापस न्यू कैंपस आ चुके हैं और ये रहा हॉस्टल मार्ट।
यहाँ से आपको हर तरह की चीज़ ज़रूरत की मिल जाएगी। और यहाँ पे हम मगरिब तक आ सकते हैं, उसके बाद हमारा यहाँ पे आना अलाउ नहीं होता, ये सिर्फ हॉस्टल स्टूडेंट्स के लिए। हम वापस हॉस्टल में आ चुके हैं, वी हैव रीच्ड बैक आवर हॉस्टल। कितनी गलत बात है ना, जब आप सो रहे हो और कोई बाहर से डोर नॉक करता जाए, समझते नहीं है लोग। खैर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।